मैकडोनल्ड की बात करूं तो लगभग 118 कंट्रीज में इनका नेटवर्क है, 37,000 इनके आउटलेट्स हैं, पर तब भी ये वियतनाम, जिम्बाब्वे, ईरान, आपके मैसेडोनिया, नॉर्थ कोरिया, जमैका और बारबाडोस, कुछ कंट्रीज़ के मैंने यहाँ पे नाम लिए जिसमें कि फेल हुआ। इसके अलावा भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैकडोनल्ड फेल हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये आ जाती है कि सिर्फ SOPs क्रिएट करने से या सिर्फ पैसा होने से या अच्छा स्टाफ होने से या इन सब चीज़ें होने से या एक नटशेल में मैं बोलूँ कि हमारे पास एक सिस्टम होने के बावजूद भी हमारे जो कि बिज़नेस है वो फेल हो जाता है। अब यहाँ पे इस वीडियो में मैं किसी भी प्रकार के फिगर्स की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं वो कॉमन चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ जो भी मैंने रिसर्च करी, ताकि अगर आप अपना एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, चाहे फास्ट फूड हो, चाहे एक क्लाउड किचन ही आप लगा लीजिए, फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट हो, तो ये चीज़ें आप अपने कल्चर में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपने एक रेस्टोरेंट को, क्लाउड किचन को या किसी भी फूड बिज़नेस को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि मैंने बोला कि मैकडोनल्ड एक बहुत ही बड़ी ब्रांड है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके पास सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स को ड्राइव करने के लिए इनके पास मैन पावर भी हैं, जो भी इनके SOPs हैं वो क्रिएट करके रखते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हर कंट्री में उसी हिसाब से उनका काम हो। जो एक बर्गर अगर कोई अमेरिका में खा रहा है, वही बर्गर अगर वो दूसरी कंट्री में खा रहा है वो सेम हो, उनको सर्व करने की भी टाइमिंग एक ही हो, पर फेल तब भी हो रहा है। SOPs आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे कम्प्लीटली ये नहीं है कि अगर आप SOPs भी क्रिएट कर पा रहे हैं तो आपके बिज़नेस सक्सेसफुल हो पा रहा है।